तो सवाल अब ये कि राजस्थान में शिशु संहार आखिर कब तक चलता रहेगा? कल तक राजस्थान की सरकार सोती रहेगी यहाँ पर? कब तक राज्य के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदारी से बचते रहेंगे? कोटा में अब तक क्या कुछ हुआ है ये हम आपको बताते हैं। कोटा में अब तक 110 बच्चों की मौत हो चुकी है, आज भी 3 बच्चों ने दम तोड़ा है। केंद्र सरकार की टीम ने दौरा किया और उसके बाद एक रिपोर्ट सौंपी है। 2018 से 2019 में 20.2% बढ़ी है बच्चों की मौत। 2019 में 3087 बच्चे भर्ती हुए, 616 की मौत हो गई इनमें से। जांच में अस्पताल के 77% वार्मर खराब पाए गए हैं। और चलिए अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए हैं। मेरे साथ हिमांशु मित्तल कोटा से और बीकानेर से मेरे साथ त्रिभुवन जुड़ गए। लेकिन सबसे पहले हिमांशु, आपके पास चूंकि जो रिपोर्ट ये सामने आई है, ये रिपोर्ट वाकई चौंका रही है, क्योंकि जो इसमें आंकड़े दिए गए हैं, जो वजह बताई गई है, वो सीधे सीधे इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि लापरवाही बहुत बड़े स्तर पर हुई है, जिसकी वजह से इन बच्चों ने दम तोड़ा। सर इन बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने की थी, जी मीडिया ने की थी, और तमाम वो तथ्य रखे थे कि अस्पताल के हालात आखिर है क्या। हालात ये थे कि यहाँ पर वार्मर खराब पड़े हुए थे, हालात ये थे कि नेबुलाइजर खराब पड़े हुए थे, हालात ये थे कि बच्चों को वेंटिलेटर जो थे वो खराब पड़े हुए थे, और अपने आप में आंकड़ा ये था कि 50% से ज्यादा जो नेबुलाइजर है वो खराब पड़े थे, 19 में से 11 जो वेंटिलेटर है वो खराब पड़े थे, 77 में से 44 जो वार्मर है वो खराब पड़े थे। ये तमाम तथ्य हमने पहले ही दिखाए थे, और उसके बाद में दिखाया था ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए कि आखिर बच्चों की मौत की जो वजह है, वो कारण है, वो क्या हो सकते हैं। तो सामने आया था अस्पताल के अंदर से लेकर के बाहर के जो हालात है वो सामने आए थे कि कितने बड़े पैमाने पर गंदगी, जो संक्रमण का खतरा है वो है। और जब केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो टीम है वो जेके लॉन अस्पताल पहुंची, अस्पताल का दौरा किया, और पहले दिन के दौरे के बाद में जो टीम ने रिपोर्ट तैयार की है, जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें सीधे तौर पर माना है कि जो उपकरण है वो खराब पड़े थे, और 70% उपकरण खराब पड़े थे। तो ये जो बड़ी वजह है वो टीम के सामने भी निकल करके आई। और ये बता रही है कि वहाँ पर, यही टीम पर एक और 12 जिले का भी दौरा करने वाली डिग्री टेम्परेचर होता हो, वहाँ क्या इन छोटे बच्चों को इस तरह से बिना वार्मर के वहाँ पर इसीलिए भर्ती कराया गया था कि वो अपनी जान दे बैठे। खैर, हमारे साथ अब हम बीकानेर चलते हैं, क्योंकि वहां से जो आंकड़े आए हैं, जो तस्वीरें आई हैं, वो और भी चौंकाती है। त्रिभुवन मेरे साथ हैं। त्रिभुवन, एक महीने में 162 बच्चों की मौत। जी बिल्कुल, बीकानेर जो संभाग का जो सबसे बड़ा अस्पताल पीबीएम है, वहाँ पिछले दिसंबर माह में 162 बच्चों की मौत हुई है। हालांकि जो पीबीएम प्रशासन है उनसे मैंने बात की, वो अपने आंकड़े यहाँ पे पर्दा डालने के लिए कह रहे हैं, आम बात होती है इन दिनों में मौत होती है, लेकिन जहाँ संवेदनशीलहीनता की बात है वो खुलकर सामने आ रही है। लगातार हो रही मौतों को, जहाँ हम पिछले दिन देख रहे थे कि कोटा में 110 बच्चों की मौत हो गई है, मगर वो उसी आंकड़े को छोड़ते हुए बीकानेर उससे आगे निकल गया है। लगातार हमने जी मीडिया के माध्यम से बीकानेर पीबीएम की आवश्यकता को दिखाने की कोशिश की है, कई बार हमने दिखाया। सुबह जब हम लोगों से बात की तो लोग कह रहे थे कि यहाँ हालात ये है कि पूरी तरह से ठीक होने से पहले ही उनको छुट्टी दे दी जा रही है। एक एक बेड पे 3-3 पेशेंट हैं, उनका संक्रमण बढ़ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे किस तरह के हालात है। सर, पीबीएम के क्या हालात हैं? पीबीएम के हालात निश्चित रूप से दयनीय है। पीबीएम के डॉक्टरों की संवेदनहीनता एकदम चरम पे है, और एक एक बेड पे 4-4 मरीज लेटे हैं। बेड में कईयों को तो बेडशीट नहीं लगी हुई, और अगर कहीं लगी हुई है तो 10-10 दिन से बदली नहीं गई है। और हालत ये, एक संगीन जो बीमारी से ग्रस्त बच्चा है वो भी उसी बेड पे है जिसमें एक साधारण बीमारी से ग्रस्त बच्चा है। फलस्वरूप जो बच्चे के पेरेंट्स इलाज कराने जाते हैं उनका बच्चा अति संक्रमित होकर आता है, और कई बार तो बच्चे केवल जाते जाते हैं। जिस हिसाब से जो आंकड़े आए हैं पिछले 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक जो आंकड़े आए हैं उसमें 162 बच्चों की मौत हुई है। तो निश्चित रूप से केवल वहाँ पर पीबीएम हॉस्पिटल ऐसा हो गया। ये बताता है, इन लोगों की बातों से ये साफ जाहिर हो रहा है कि इसी तरीके से लापरवाही यहाँ पर चलती आ रही है, और यही वजह है कि बच्चों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। इस खबर पर आपको अपडेट करेंगे, लेकिन इस वक्त दिल्ली का रुख कर लेते हैं। जहां इंदिरा गांधी स्टेडियम में इस वक्त अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। लगभग 56 ऐसे दल हैं जो क्षेत्रीय हैं, और लगभग 7 ऐसे दल हैं जो राष्ट्रीय हैं। लेकिन आपको गौरवान्वित होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो वंशवाद से अलग है और विचारवाद पर खड़ी है। इस बात को हमको समझना चाहिए। बाकी सभी पार्टियां वंश से ग्रसित हैं। कोई ऐसी क्षेत्रीय दल
तो दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम से आप इस वक्त जेपी नड्डा को सुन रहे हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर अमित शाह भी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और ये बड़ी रैली इस वक्त आप देख रहे हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम से। जहाँ विचार से हम सब लोग आगे बढ़ते हैं और विचार के प्रति समर्पित होकर के देश सेवा में जुट जाते हैं, ऐसी अकेली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। मैं कई बार इस बात को कहता हूं क्योंकि राजनीतिक दल में आने का क्रम और हर की यात्रा अलग अलग होती है। कोई राजनीतिक दल में आता है क्योंकि उसको पार्टी का दल का विचार पसंद आता है इसलिए वो उस दल में आ जाता है। कई लोग राजनीतिक दल में इसलिए आते हैं कि उनको वहां का नेतृत्व पसंद आता है इसलिए उस दल के साथ शामिल हो जाते हैं। और कई बार राजनीतिक दल में व्यक्ति बाय चांस और बाय एक्सीडेंट भी आ जाता है। बाय चांस इस प्रकार से होता है कि दोस्तों की टोली थी, सभी बीजेपी के थे, हम भी बीजेपी के हो गए, हम भी साथ चल पड़े। और कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिन घटनाओं से हमारे विचार मजबूत हो जाता है कि दृष्टि देने वाली पार्टी है तो सिर्फ यही पार्टी है, उसमें हम आ जाकर के शामिल हो जाते हैं। मेरा यह कहना है चाहे आप बाई चॉइस आए हो, चाहे आप बाई चांस आए हो, चाहे बाय एक्सीडेंट आए हो, चाहे बाय सर्कमस्टांसेस आए हो, आप आए हो तो सही जगह आए हो, इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं, ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरी राजनीतिक यात्रा लंबी है। मैं जब छात्र हुआ करता था तो मेरे से मेरे कांग्रेस के साथी बोलते थे, नड्डा यू डोंट नो पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पावर, सत्ता के साथ जुड़ो, ये तुम क्या कर रहे हो, कौन सी विचारधारा को लेकर के चले हो। आज जब वो मिलते हैं तो मैं उनसे पूछता हूं, डू यू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। मुझे वामपंथी दल के नेता मिलते हैं, नौजवान था, यंग था, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सेंटर के कैंटीन में बैठ करके वो कॉमरेड भाई सिगरेट का गुलछर्रा उड़ाते हुए मुझे समझाया करते थे, कॉमरेड यू डोंट नो व्हाट इज रिवोल्यूशन। और मैं कहता था, वंदे मातरम, यू डू नॉट नो व्हाट इज इवोल्यूशन। आज जब वो मुझे मिलते हैं तो मैं उनसे पूछता हूं, बताओ कॉमरेड क्या हाल है, बोलता हमने तो दिशा ली थी वो दिशा तो रह गई। मैंने कहा अब अपनी दशा सुधार, बाकी तो गया जो गया। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि आप आए हो, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उसको अपने स्वाभिमान के साथ ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वह राजनीति में समाज के परिवर्तन और देश को आगे बढ़ाने के लिए आया है तो उसने सही उपकरण चुना है और वो उपकरण भारतीय जनता पार्टी है, इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसीलिए मैं एक बात और कहता हूं, किसी पार्टी के पास नेता है तो नीति नहीं, नीति है तो नियत नहीं, नियत है तो कार्यक्रम नहीं, कार्यक्रम है तो कार्यकर्ता नहीं। यह भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर से मोदी जी का नेतृत्व को लेकर, देश के नेतृत्व से लेकर के बूथ तक का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है। हमारा नेता उपस्थित, हमारे पास नेता है, नीति है, नियत है, कार्यक्रम है, कार्यकर्ता है और आपके द्वारा बनाया गया वातावरण है जिसको हमको अपने आप में संभालना है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक नहीं सकता, कितनी भी कोशिश कर लो, मोदी जी के नेतृत्व में
और अमित शाह जी के शिल्पकार के रूप में भारतीय जनता पार्टी आगे ही बढ़ेगी, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम दिल्ली की बात कर लें। एक तरफ है नेगेटिव विचारधारा, सब कुछ रोकना, बेहाल दिल्ली, बेहाल किस कारण आप जानते हैं, हर एक चीज में नेगेटिविटी। और इधर मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, राजनाथ जी हैं, नितिन जी हैं, सब लोग हैं, ये सकारात्मक राजनीति करते हैं। बताइए, दिल्ली ने मांगा था ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल रोड्स, भारत सरकार ने अपने से बढ़कर के पोल्यूशन को घटाने के लिए आज दिल्ली में जो 60,000 गाड़ियां आया जाया करती थी, वो 60,000 गाड़ियों को अब दिल्ली के बाहर जाने की व्यवस्था की, तो वो भारत सरकार ने की, मोदी जी ने की, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। झुग्गी झोपड़ियों के जहां झुग्गी वही मकान, इस बात को अगर साकार करने का ब्यौरा उठाया है, जिम्मा उठाया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। अगर अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज करने का जिम्मा उठाया, लोग अनऑथराइज कॉलोनीज के साथ राजनीति कर रहे थे, ये नहीं देना चाहता, वो नहीं देना चाहता, ये नहीं करना चाहता, वो नहीं करना चाहता, मोदी जी ने एक ही कलम के झटके से हस्ताक्षर करके सारी कॉलोनियों को रेगुलराइज कर दिया, ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन हां, केजरीवाल का भी एक योगदान है। क्या योगदान है कि मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मैं दिल्ली की जनता को मोदी जी के आशीर्वाद से 30 लाख लोगों को पांच लाख रुपए का हेल्थ का कवरेज देना चाहता था। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि यूपी में आईएसआईएस के 2 आतंकवादी घुसे हैं। बस्ती गोरखपुर समेत नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। बस्ती रेंज के आईजी आशुतोष कुमार ने इस बात की जानकारी दी कि दोनों आतंकियों के यूपी में प्रवेश करने की सूचना है। नेपाल से सटे हुए सिद्धार्थनगर समेत जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पश्चिम बंगाल के रास्ते यूपी में घुसे हैं आईएसआईएस के 2 आतंकी, जिसके बाद हाई अलर्ट घोषित किया गया, पश्चिम बंगाल के रास्ते घुसपैठ की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बस्ती रेंज के आईजी आशुतोष इस बात की जानकारी उन्होंने दी कि यूपी में घुसे हैं आईएसआईएस के 2 आतंकी और पश्चिम बंगाल के रास्ते उन्होंने यूपी में ये घुसपैठ की है, जिसके बाद अब सिद्धार्थनगर और दूसरे जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। हम लोगों को फोटो भेजी गई 2 लोगों की, और ये कैसे मीडिया में आ गई ये एक दूसरा प्रश्न है, परंतु ये बात सही है कि वो 2 वांटेड टेररिस्ट हैं और साउथ से ये लिंक रखते हैं, और इनके नेपाल में भाग जाने की आशंका को देखते हुए जो नेपाल के बॉर्डर के जनपद है उनको अलर्ट जारी किया गया था, ये कहीं देखते हैं तो उनको अप्रिहेंड कर लिया जाए। तो हमारे यहाँ संत सिद्धार्थनगर जिला के बॉर्डर नेपाल से लगता है, तो वहां पर संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया था, लेकिन अभी तक इनका पता नहीं चल पाया है। तो सुन रहे थे आप आईजी जो इस बात की जानकारी दे रहे थे कि पश्चिम बंगाल के रास्ते घुसे हैं आईएसआईएस के 2 आतंकी, और इसे लेकर अब सिद्धार्थनगर सहित कई और जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है। और अगली बड़ी खबर, दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने आयुष्मान भारत योजना रोकी है। जेपी नड्डा ने इस बात की जानकारी दी और उन्होंने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार आयुष्मान भारत योजना सरकार द्वारा रोकी गई है। जेपी नड्डा जो इस वक्त दिल्ली में बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, जिन्होंने संबोधित करते हुए ये बड़ी जानकारी दी है और कहा कि आयुष्मान भारत योजना जो केंद्र सरकार की योजना है, इसे दिल्ली में रोका गया केजरीवाल सरकार की तरफ से। तो जेपी नड्डा, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष, जिन्होंने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया और कहा कि आयुष्मान भारत योजना जिससे लोगों को फायदा हो रहा था, जिससे गरीबों को फायदा हो रहा था, उस फायदे को लोगों तक पहुंचाने में बाधा डाली केजरीवाल सरकार ने,
दिल्ली में इस योजना को रोका गया केजरीवाल सरकार की तरफ से। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।